फर्स्ट वैक द गुड रैपर सामानों को पैक करने के लिए एक कवर होता है उसे क्या कहते हैं रैपर कहते हैं क्वेश्चन टू वॉट इंफॉर्मेशन इज यूजली गिवन ऑन अ रैपर रैपर में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है कि कब वो बनाया गया है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है उनमें कौन कौन से सामग्री लगी हुई है इन्ग्रीडियंट्स लगे हैं वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है रेड और ग्रीन सर्कल बने हुए थे उसका वेट क्या है ओके एमआरपी क्या है कॉस्ट क्या है उसकी कंपनी नेम क्या है ओके ये सब इन्फॉर्मेशन किस में दी रहती है रैपर में ओके क्वेश्चन थ्री शुड वी यूज़ एन एडिबल आइटम्स आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी क्या हमें डेट ऑफ़ एक्सपायरी ख़त्म होने के बाद भी यूज़ करना चाहिए एन सर वी कैन नाट यूज़ एन एडिबल आइटम्स आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी एक्सपायरी के बाद हमें खाद्य सामग्री यूज़ नहीं करना चाहिए क्वेश्चन फोर वेयर इज़ द एक्सपायरी डेट प्रिंटेड कहाँ पर एक्सपायरी डेट छपी होती है तो हमें क्या करना चाहिए आंसर एक्सपायरी डेट यूज़ विथ इन मंथ्स ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पैक या मैग्नीफाइंग डेट एक्सपायरी डेट हमें जो दिए मंथ या ईयर में वो मैग्नीफाइंग डेट के बीच में ही यूज़ करनी है उसके बाद यूज़ नहीं करनी है क्वेश्चन फिफ्थ व्हाट डज द ग्रीन सर्कल इन द स्क्वायर इंडिकेट ग्रीन सर्कल क्या दर्शाता है रेपर में आंसर द ग्रीन सर्कल इन द स्क्वायर इंडिकेट्स दैट द आइटम कंटेंट्स ओनली वेजिटेबल इंग्रेडिएंट्स मतलब वो वेज सामान ही उसमें डला है सामग्री ही डली है ओके okay. क्वेश्चन सिक्स वॉट इज द रेड सर्कल इन द स्क्वायर मीन्स पॉर और रेड सर्कल का क्या मीनिंग है आंसर द रेड सर्कल इन द स्क्वायर इंडिकेट्स दैट द आइटम कंटेन सम नॉन वेज इन्ग्रीडिएट्स मतलब उसमें नॉन वेज सामग्री डली हुई है ओके okay?